हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तृष्टिका किचन्स में। आज मैं एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और लगाने पर हमारे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे हाथ और पाँव पर सालों से जमी हुई मैल को निकालने में ये एक रामबाण नुस्खा है। हमारे हाथ और पैरों को गोरा करने के लिए हम पार्लर जाते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, बट उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता जितना घर के ही सामान से हम केमिकल फ्री होम रेमेडी बनाकर यूज करते हैं। यूज करके नेचुरल तरीके से हम अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, गोरा कर सकते हैं और हमारी जमी हुई मेल को हम बिल्कुल हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी का यूज़ अपने हाथ पाँव के साथ अपने चेहरे पर भी हम कर सकते हैं और हफ्ते में हमें 3 बार इस रेमेडी को अप्लाई करना है अपने चेहरों पे, हाथ पाँव पे, और 30 दिन तक करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो को पूरा देखिए, जिससे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेना है हमें एक कटोरी, और कटोरी में डालेंगे हम गेहूं का आटा। तो यहाँ हमने लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से स्किन हमारी साफ होती है, साथ में जो हमारे फेस के ऊपर बिल्कुल बारीक रुएँ होती हैं वो भी क्लीन होने में बहुत ही मदद करता है गेहूँ का आटा। और इसके साथ ही हम लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। तो फ्रेंड्स, हल्दी हमारे स्किन के ऊपर दाग धब्बे हटाने में बहुत ही मदद करती हैं और साथ ही हमारी त्वचा को निखारती हैं। तो यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच हल्दी ले लिया है और गेहूं के आटा और हल्दी को हमने अच्छा से मिला लिया है। और इसके साथ हम लेंगे गुलाब जल की कुछ बूंदें। गुलाब जल हमारी स्किन के ऊपर जमी हुई गंदगी को हटाने में बहुत ही मदद करता है और साथ ही में एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है और हमारी स्किन के ऊपर ये ठंडा भी रहता है। तो हमने यहाँ पर गुलाब जल को मिला लिया है और अब हम 1 चम्मच लेंगे और इसको भी मिला देंगे। और अब लेते हैं हम नींबू। तो नींबू फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनके ऊपर सूट करता है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बट जिनके नींबू सूट नहीं करता तो वो नींबू को स्किप कर सकते हो। उसकी जगह आप शहद ले सकते हो, यानी 1/2 चम्मच शहद लीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं 1/2 नींबू का रस यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1/2 नींबू का रस डाल दिया इसके अंदर। और अब हम लेंगे 1 चम्मच और चम्मच से हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला देते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा मिलाने के बाद हम लेंगे साथ ही में कॉफ़ी। फ्रेंड्स, कॉफ़ी का यूज़ करने से हमारी स्किन पर ग्लो आती है और साथ ही में हमारा चेहरा, हाथ पांव बहुत ही ज़्यादा गोरा भी होने लग जाता है। तो यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच कॉफ़ी का डाल दिया है, यानी ये ब्लैक कॉफ़ी है। इसको हम अच्छे से मिला देते हैं और अब हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, यानी जितना ये घुलता है उतना हम पानी डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने करीब 4 चम्मच पानी डाला है और इसका हम एक फाइन अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। इसके अंदर एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से इसको बनाना है। तो हम इसको इस तरीके से 2 मिनट तक चम्मच से घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद हमारा बहुत ही एक अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने एक पेस्ट बना लिया है हमारे चेहरे पे, हाथ पांव पर अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए हाथ के ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से हमें हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई करना है और इस तरीके से हमें पेस्ट को लगा कर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। साथ ही में हल्के हल्के मसाज भी करनी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से लगाना है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैं ये नहीं बोलती कि आपका एक ही दिन में आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, गोरी हो जाएगी। आप हफ्ते में इसको 3 बार लगाइए और 30 दिन तक आप यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा फर्क नज़र आएगा, आपको खुद को देख लेना। तो इसी तरीके से हमें अप्लाई करके अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं सूखने के लिए। और 10 मिनट के बाद हम देखेंगे ये पेस्ट लगभग सूख जाता है। और सूखने के बाद हमें हल्के हाथों से उतार लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मसल कर हमने हमारा जो पेस्ट अप्लाई किया था वो उतार लेते हैं। और उतारने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमने इसमें हल्दी डाली थी तो वो हमारी स्किन को, हल्दी का कलर होता है वो जल्दी से छोड़ता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया है गुनगुना पानी, इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और नमक के साथ ही हम थोड़ा सा शैम्पू डालेंगे। अब हम नमक और शैम्पू को अच्छा सा मिला देते हैं इस पानी के अंदर। और अब हम हमारे हाथ पांव को इस पानी से अच्छे से धोएंगे जो हल्दी अपना कलर छोड़ देगी। और अगर आप फेस को धोना चाहते हो तो इसके अंदर आप फेस वॉश डाल देना
इसके अंदर आप शैम्पू का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि शैम्पू कई स्किन के ऊपर सूट नहीं करती। तो आप शैम्पू की जगह फेस वॉश डालिए इसके अंदर, फिर अपने इस चेहरे को धो लीजिए। तो यहाँ हमने हाथ और पांव धोने के लिए शैम्पू का यूज़ किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आप जैसे जैसे ट्राई करोगे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए मैं आपको हाथ के ऊपर अप्लाई करके हाथ को अच्छे से क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो आप इस हाथ के अंदर रिजल्ट अपनी आंखों से देख सकते हो कि यह हाथ बहुत ही अच्छा सा क्लीन हो गया, गोरा हो गया और नेचुरल तरीके से बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।